आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ ऐसे सूप की जो हेल्दी होने के साथ साथ पीने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं अपने मील में इसे शामिल करके आसानी से वज़न को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम कैलोरी वाला सूप है। और जिन्हें वज़न कम नहीं करना है उनके लिए भी ये सूप बहुत ही हेल्दी साबित होने वाला है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो अपने भोजन में ब्राउन ब्रेड की 2 सैंडविच ले सकते हैं, और जो नहीं करना चाहते वो किसी भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप अपने डाइटिशियन से पूछ सकते हैं। पर हाँ, मेरी अगर ये रेसिपी आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीना, वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ 1/2 कप ओट्स। ये बिल्कुल प्लेन वाले हैं, कोई भी फ्लेवर इसमें नहीं है। 1/2 कप ओट्स डालने के बाद कवर करेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। पाउडर बन चुका है, आप देख रहे होंगे एकदम फाइन बना है। और अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो यहाँ पर एक पैन में डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो भी आप खाते हो। और जब ऑयल गर्म हो जाए तब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून जीरा, और 4-5 फ्रेंच बीन को छोटा छोटा काट लिया है, आधी गाजर को बारीक टुकड़ों में काट लिया है, थोड़े से मटर के दाने डालेंगे लगभग आधी छोटी कटोरी, और थोड़ी से 8-10 टुकड़े छोटे छोटे ब्रोकली के डाल रही हूँ, और ये है मशरूम, 4-5 मशरूम है जिन्हें 4 टुकड़ों में काटा है उसे भी डाल दिया है। और अब इसमें लहसुन बहुत ज़्यादा पड़ता है, अगर आप लहसुन खाने के शौकीन हैं तो भर भर के डालिए, और नहीं खाने के शौकीन है तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी गांठ पूरी लहसुन की बारीक काट कर डाल दी है, 1 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक काट कर डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से चला लेंगे, और चलाने के बाद अब इसमें थोड़े से फ्रोज़न कॉर्न डाल देंगे, ये भी इस सूप में बहुत ही मज़ा देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से चलाने के बाद अब डालेंगे इसमें स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद सारी चीज़ों को एक बार फिर से मिला देंगे, और कुछ सेकंड्स के लिए हम कवर करके इसे पकाएंगे, और पकने के बाद फिर इसे हम एक बार चला लेंगे। और चलाने के बाद अब डालेंगे इसमें पानी, तो यहाँ पर 1 कप पानी डाल चुकी हूँ, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा। तो 4 कप पानी का यूज़ किया है मैंने, और इसे मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। इसे हम कवर कर देंगे और बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और एक बोल में जो हमने ओट्स का आटा बनाया था उसे हम ले लेंगे, और 1 टेबल स्पून डालेंगे कॉर्न स्टार्च या अरारोट, कोई भी आप ले सकते हैं। डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे लम्स भी बना लेंगे। तो 4 कप पानी के इस्तेमाल से मैंने सूप को बनाया है। आप सोच रहे होंगे कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जी नहीं दोस्तों, इसे मैंने डिनर में बनाया है, और भाई हम तो भर भर कप पीने वाले हैं इस सूप को, क्योंकि भूख के पेट रात में नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, और वज़न बढ़ने का भी कोई डर नहीं रहता। घोल तैयार है। और हाँ, इस सूप में आप अपनी मनपसंद सब्जियों को भी डालकर इसे बना सकते हैं। घोल बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अब डालेंगे इसे सूप में। सूप में बॉयल भी आ चुका है, फ्लेम को कर देंगे लो, और
धीरे धीरे घोल को डालते जाएंगे और इस स्पैचुला से बराबर चलाते जाएंगे। चलाने के बाद इसे हम लगातार ही चलाते रहेंगे और फ्लेम को अब थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे जिससे इसमें बॉयल जल्दी से आ जाए। लगातार इसे हमें चलाते रहना है वरना ये नीचे से चिपक सकता है, पर जब इसमें बॉयल आ जाए तो कोई डर की बात नहीं है, तब आप इसे चलाना छोड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से सूप में बॉयल आ चुका है और अब डालेंगे इसमें हम 1 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और थोड़े से ओट्स भी हम डाल देंगे, क्योंकि जब हम सूप पीते हैं और बीच बीच में जब इसका क्रंच आता है तो ये बहुत ही मज़ा देते हैं। ओट्स डालने के बाद अब डालेंगे इसमें नींबू का रस। जी हाँ, ये वही रस है जिसे मैंने प्लास्टिक की बोतल में पूरा भर कर रखा था और इस्तेमाल करते करते थोड़ा हो गया है। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि प्लास्टिक की बोतल में नुकसान करता है, ख़राब हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सालों से इसे इस्तेमाल कर रही हूँ और ये वही बोतल है जो मैंने रिजर्व करके रखा था। तो डाल देंगे इसमें 1 टी स्पून नींबू का रस, या आप उतना भी डाल सकते हैं जितना खट्टा आपको पसंद हो। तो कुछ इस तरह से बढ़िया सा ओट्स का सूप बनकर तैयार है। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है। चलिए अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। नींबू का रस अगर आपको प्रिजर्व करके रखना हो तो लिंक आई बटन पर दे रही हूँ, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और बरसात के सीज़न में इसे सस्ते दामों में खरीद कर स्टोर करके रख सकते हैं। इस सूप के साथ आज डिनर में बनाया है मटर मशरूम के सैंडविच, लिंक आई बटन पर दे दिया है, जाकर देख सकते हैं। पर आज मैंने इसमें मशरूम नहीं डाला है, केवल मटर से बनाए हैं। मशरूम को मैंने सूप में डालकर इस्तेमाल कर लिया है, साथ में हरी चटनी, जिसके बिना सैंडविच अधूरा है। तो आज का शानदार मेरा डिनर बनकर तैयार है। चलिए एक बार फिर से इसे प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। ये रहा बढ़िया हेल्दी न्यूट्रिशियस वेट लॉस ओट्स का सूप, जिसे पीकर आपकी तबीयत बिल्कुल मस्त होने वाली है। और साथ में बढ़िया से मटर के शानदार सैंडविच, वो भी ग्रीन चटनी के साथ। चलिए अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सूप टेस्ट करते हैं। एकदम मस्त बना है। जिन भाई बहनों को वज़न कम करने का टेंशन नहीं है वो इस पर डालें मेयोनीज सॉस, थोड़ी सी टोमेटो सॉस, दोनों चीज़ें डालकर खाने में वाकई आनंद आ जाएगा। पर जिन्हें टेंशन है वो इसे बिल्कुल भी न डालें। पास से इसके लुक को आप देख सकते हैं, अंदर से दिखाती हूँ कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये सैंडविच। बहुत कमाल की है ये जोड़ी सूप और सैंडविच की। फटाफट से इसे ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का एक बटन दबाएं और वीडियो को पूरा इसी तरह से देखते रहना ही आपका मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो मेरी वीडियो को इसी तरह से पूरा देखें और अगर आप रेसिपी ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करिए, मुझे खुशी होगी। तो जब तक आप इस हेल्दी से सूप और सैंडविच का आनंद लेंगे, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।